कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, हम लोग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। आप सभी लोग जानते हो कि फिजिक्स फर्स्ट पेपर का ये पांचवा लेसन है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। और इस चैप्टर की दो तीन क्लास चल चुकी है और आपने जो शुरू से पढ़ रहे हो देख रहे हो कि चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। छोटी छोटी परिभाषाएँ और कुछ परिभाषाएँ तो ऐसी मिल रही है जो आप 9th और 10th में पढ़े हुए हैं। आज हम आपको 10-12 छोटी छोटी परिभाषाओं से और परिचित कराएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, इस चैप्टर में मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया वैद्युत धारा, एक टॉपिक आपको समझाया अभी इसके पहले वाली क्लास में कि वैद्युत धारा क्या है, किसे कहते हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से हम लोग 15-20 पॉइंट जान चुके हैं, लेकिन आज जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं। किसी चालक से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, एक सेकंड में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। आपने और भी जाना है कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को बच्चों इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं कि आई से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन डी। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका इस्तेमाल होगा आगे की जो हेडिंग्स बताना चाहते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जानते रहिए। आज देख लीजिए कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा की तीव्रता या वैद्युत धारा कहलाती है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा की तीव्रता या वैद्युत धारा कहलाती है। तो अब यहां पर समझो जरा ध्यान से, ये सूत्र हमेशा याद रहे, आई बराबर क्यू अपान टी। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर निकाले हुए हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी हमें वैद्युत धारा की तो आप हमें इतना बता देंगे। ऐसे ही बच्चों, लेसन थर्ड चैप्टर का नाम था वैद्युत विभव। उस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाए थे हम वैद्युत विभवांतर। यहां थोड़ा सा बता दे रहे हैं वैद्युत विभवांतर के बारे में। चैप्टर का नाम ही जब वैद्युत विभव था तो वह बहुत सारा डिटेल में आपने सुना है, सीखा है, यहां केवल परिभाषा के तौर पर। जैसे बच्चों, अगर ये कोई चालक हो, यहां से आवेश बहते 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 यहां तक आए, तो आवेश को प्रवाहित कराने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए जो कार्य किया जाए W, और जितना आवेश प्रवाहित हो Q, दोनों का अनुपात चालक के सिरों के मध्य का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। परिभाषा पढ़े हुए हैं, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाहित करने हेतु किया गया कार्य W और आवेश की मात्रा Q का अनुपात W/Q चालक के सिरों के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो जिन बच्चों को वैद्युत विभवांतर के बारे में नहीं पता था वो आज जान जाए कि वैद्युत विभवांतर यही होता है। हम अगले लेसन में यूज करेंगे तो कंफ्यूजन न रहे, इसलिए बता दिए। तो वैद्युत विभवांतर V बराबर W/Q। सूत्र से मात्रक बना सकते हो, ऊपर कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, नीचे जो है आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम, और इसे ही हम वोल्ट कह देते हैं। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाता है। तो अब ये दोनों चीजें अगर आप सीख लिए हैं, कोई असुविधा नहीं है आपको, तो बेटा इसके बाद का टॉपिक सीखने में असुविधा
गई होगी। हमने आपको बताया कि हम छोटी छोटी 10-12 परिभाषाएं आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं, परिभाषा निकाल कर सिखाएंगे कि कैसे निकाली जाती है, तो जिससे आपको याद हो जाए। देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक नियम बनाया जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो मैं आपके सामने ओम का नियम रखने जा रहा हूं, जिसे आप 9th-10th की क्लास में भी पढ़े हैं। एक और बात, इस लेसन में अंतिम दूसरी तीसरी हेडिंग आपको पढ़ाऊंगा इकलौता डेरिवेशन, ओम के नियम का डेरिवेशन। मतलब अभी तो आप पढ़ लीजिए ओम का नियम है क्या, लेकिन 2-4 हेडिंग के बाद आपको ओम का नियम डिराइव कराऊंगा कि माननीय ओम ने कैसे वो नियम पाया। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे ओम का नियम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे हम ओम का नियम ओम्स लॉ कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोग जानते हो कि जो साइंटिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने किसी चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है और चालक के सिरों के मध्य जो धारा बहती है, इन्हीं दोनों के बीच संबंध स्थापित किया था, उसे ही हम ओम का लॉ कहते हैं। बताना यह चाहते थे कि जैसे बेटा 10th की क्लास में आप जो है त्रिकोणमिति वगैरह में सबसे पहले साइन लॉ, कॉस लॉ या पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ते हो, अगर कभी कोई आपका टेस्ट लेता है, मान लो नाना मामा चाचा कोई घर और आते हैं, तो अगर आपके IQ टेस्ट करने रहते हैं, पहले साइंस में मैथ में वही त्रिकोणमिति सूत्र पूछते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रचलित है और छोटी चीजें हैं, कहेंगे साइन स्क्वायर का अंक बताओ, मंदर टाइन स्क्वायर बताओ, यही सब पूछते हैं। वैसे ही फिजिक्स में अगर आपका कोई टेस्ट लेता है तो पहले ओम सलाह वगैरह ही पूछता है। तो ये इसलिए भी याद रहना चाहिए क्योंकि पेडकल वगैरह में वाइवा में भी काम आएगा ओम्स का नियम या ओम सलाह। देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए हैं जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक चालक लिया और चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, विभवांतर आप समझ गए हैं, B=W/Q की बात कर रहे हैं, और चालक में जो धारा बहती है इधर से लेकर उधर तक, ये भी समझ गए हैं I=Q/T, इन्हें दोनों के बीच एक रिलेशन, एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। हाँ बच्चों, जब इन्होंने ओम का नियम अप्लाई किया तो इन्होंने एक शर्त रखी कि वो जो चालक था उसकी जो है एक्सटर्नल स्टेट कांस्टेंट रखे, मतलब चालक की बाहर से जो है लंबाई या क्षेत्रफल को फिक्स कर दिए, कहे इसमें कोई बदलाव ना हो तभी ये बात हमारी सच होगी। बहुत सारा उन्होंने प्रयोग किया होगा, विभवांतर और धारा के बीच संबंध लाया होगा, और वो जो विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किए उसे ही हम ओम्स लॉ कन्फ्यूजन के रूप में कहते हैं। लेकिन इन्होंने शर्त क्या रखी बेटा कि उस चालक की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहनी चाहिए, न चालक के लंबाई बदले चाहिए, न चालक के क्षेत्रफल मोट पाकर होए और न लंबा या छोट होए, ये दोनों चीज फिक्स रहा है तब इनके नियम काम करता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, माने ओम के नियम को बोलने के दौरान अब ये कांस्टेंट चीज है, हमको इसको बोलना ही बोलना है, यदि किसी चालक की, देखते जाओ बेटा इसी से 5-6 परिभाषाएं निकालेंगे, किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, बदल जाएगी तो उनका नियम नहीं लागू होगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था माने बाह्य स्थिति, मतलब लंबाई और क्षेत्रफल, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो, तो इन्होंने देखा कि अगर चालक को हम किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, तो स्रोत से जब जोड़ते हैं तो स्रोत से जोड़ने पर इसमें इधर से इधर आवेश या धारा बहने लगती है, और इस आवेश को यहां से यहां तक लाने के लिए कार्य भी करता रहना हो। तो उन्होंने मिस्टर ओम ने चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसकी वैल्यू देखे कि कितना धारा चालक में आ रही है।
पहले उन्होंने देखा कि चालक में 2 एम्पीयर धारा आ रही थी, तो उन्होंने पाया कि चालक के सिरों के बीच जो वोल्टेज था 5 वोल्ट था, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे उन्होंने धारा 2 एम्पीयर से बढ़ा के 4 एम्पीयर किया, जो सिरों के बीच वोल्टेज था वो भी बढ़ गया, 5 वोल्ट से 12 वोल्ट हो गया। धारा इन्होंने और बढ़ा दी, सिरों के बीच का वोल्टेज और बढ़ गया। मतलब इन्हें यह समझ में आ रहा है कि किसी चालक में ज्यो ज्यो धारा ज्यादा प्रवाहित करते जाए, बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, सिरों के मध्य जो भी वोल्टेज बनता है वह भी बढ़ने लगता है। किसी चालक में अगर प्रवाहित धारा बढ़ाते जाए तो सिरों के बीच जो वोल्टेज बनता है वह भी बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि धारा बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, धारा बढ़ा रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है। फिजिक्स में आप जानते हो कि अगर दो राशियां एक दूसरे के साथ बढ़े या घटे, जैसे एक के बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ती रहे या एक के कम करने पर दूसरी भी कम होती रहे, तो इन दोनों राशियों को एक दूसरे के समानुपाती कहा जाता है। कहा जाता है दोनों एक जैसा व्यवहार कर रही है। तो ओम ने यही बताया कि किसी चालक के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है चालक में आने वाली धारा पर। धारा ज्यादा करते जाते हैं तो वोल्टेज भी ज्यादा होता जाता है। मतलब चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर, गौर से देखिएगा, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इतना लंबा लिखने के बजाय 2 शब्दों में इसको हम लिख सकते हैं, साइंस वाले हैं ना, पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम ऐसे लिखते बी प्रोपोर्शनल आई, यही मतलब तो हुआ। और एक शब्द बोल दे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, तो अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो चालक में प्रवाहित धारा पर डिपेंड करता है चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर। तो चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर भी चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात वी प्रोपोर्शनल आई। यही ओम का नियम है और इसे आप सभी लोग याद रखेंगे। अभी याद रख लीजिए, थोड़ी देर बाद डेरिवेशन करा देंगे इसका क्यों ऐसे हुआ। तो ये बात समझ में आ गई, ओम का नियम आप जान गए कि चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर भी चालकों में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो सिरों के बीच वोल्टेज भी बढ़ता हुआ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत प्रतिरोध जैसा कि आप सभी जानते हैं फिजिक्स में जो है हम लोग नाम से ही परिभाषाएं बनाने की ट्राई करते हैं। तो नाम से ही परिभाषा पहले बना रहे हैं, उसके बाद एक साथ कई परिभाषाएं तमाम दिमाग से बन जाएगी। देखो बेटा, वैद्युत मतलब वैद्युत या आवेश, प्रतिरोध माने विरोध करना। तो अगर कोई चालक है उसमें धारा या आवेश बह रही हो और उस चालक के अंदर के बैठ जाए, हटे दबा दे, विरोध कर रहा है, उस धारा को बहने का विरोध करे, धारा को प्रवाहित ना होने दे, तो हम उसी गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। माने आम बोलचाल की भाषा में परिभाषा निकाल सकते हैं, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट
धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ में जो धारा के बहने देने के विरोध करने का गुण होता है उसी गुण को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध ही एक ऐसा गुण होता है पदार्थों में जो धारा को नहीं बहने देता, माने विद्युत ऊर्जा का विरोध करता है। इसलिए जब तार वगैरह में धारा बहती है तो विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा बदलती रहती है, माने तार गर्म होते रहते हैं। तो यह समझ लीजिए कि धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। अभी अभी आपने ओम का नियम पढ़ा, ओम का नियम क्या पढ़ा बेटा? चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, V प्रोपोर्शनल I। अब बच्चों ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा करके बराबर और कोई कांस्टेंट यूज किया जाता है। ओम साहब ने यहां बराबर और कांस्टेंट R यूज किया और इस R का सूत्र निकल के आ सकता है R बराबर V बटा I, और यही R रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा। तो अब ये सूत्र जो ओम के नियम से आया है इससे वैद्युत प्रतिरोध की फिजिक्स की परिभाषा बन जाएगी। R मतलब बेटा वैद्युत प्रतिरोध, V मतलब चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर, I मतलब चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। लो इस सूत्र से वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा नहीं बन जा रही है। R क्या लिख रहा है यहां पर? B और I का अनुपात। तो परिभाषा बता लो, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात चालकों का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यहां से परिभाषा नहीं बन गई, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर और चालकों में प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। सभी को क्लियर हो गया? एक परिभाषा फिजिक्स वाले हो और बना सकते हो। फिजिक्स में परिभाषा बनाने के लिए नीचे वाले पद को क्या करना पड़ता है? यदि आई बराबर एक लिखो तो आप समझ रहे हो आर बराबर बी बटा एक मतलब बी। परिभाषा बताओ, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों के मध्य के विभवांतर के बराबर हो गया जबकि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही थी। तो परिभाषा बन जाएगी, चालकों में एकांक धारा प्रवाहित होने पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने तीन तीन परिभाषा वैद्युत प्रतिरोध की आपके सामने रखी। एक बार फिर से समझो, धारा के मार्ग की रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर भी और चालक में प्रवाहित धारा आई का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तीसरा, चालकों में एकांक धारा प्रवाहित होने पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब बच्चों हम लोग इसका मात्रक वगैरह निकालेंगे और विनी सूत्र देखिए जरा। आर बराबर बी बटा आई सूत्र है, इसी सूत्र से प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। आर का मात्रक देखते जाइए, परिभाषाएं सब सिखा के रखेंगे। ऊपर जो है विभवांतर है उसका मात्रक बोल दो, नीचे आई धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और प्यारे साथियों वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है, इन्हीं वैज्ञानिक ओम के नाम पर, और इसे ऐसे चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है, इस चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे सांप की तरह चिन्ह बना है। तो
तो ओम का नियम है ये, ओके। ओम का चिन्ह है और आर का जो है मात्रक है, तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। रीमा सूत्र निकाल दो, ऊपर भी है बी का सूत्र, दलुओं की उसे आया था, हम पढ़ाए थे, जान लो, निकाल भी सकते हो। एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, नीचे धारा साल करने पर एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक आ गया। कभी कभी मार्दिनी सूत्र आ गया ओम का या वैद्युत प्रतिरोध का, कभी कभी एक ओम की परिभाषा पूछी जाती है। तो जैसे हर फिजिकल सूत्र में हम परिभाषा निकलवाते हैं, वैसे यहां भी निकलवा दें। देखो, अगर वी का मान हम कहीं एक वोल्ट ले लें, माने किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट रखें और चालक में प्रवाहित धारा एक एम्पियर रखें, तो आर बराबर बी बटा आई, एक बटा आई से एक बटा आई कट गया, एक ओम आ गया। क्या परिभाषा आप नहीं बता सकते हैं, खुद बना सकते हैं ना। किसी चालक में एकांत धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के मध्य एकांक वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न होने पर चालक का प्रतिरोध एक ओम होता है, या उल्टा बोल दो, एक ओम प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो चालकों में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के मध्य एक वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है या प्रकट करता है। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध की जो है परिभाषा है, दो दो तीन तीन आपके सामने हमने रख दिया। धारा के मार्ग की रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर व चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। या किसी चालक में एकांक धारा प्रवाहित होने पर चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। अब बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, ये वैद्युत प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, किस पर डिपेंड करता है। देखो जरा, वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध दो चीजों पर डिपेंड करता है, चालकों का वैद्युत प्रतिरोध दो बातों पर या दो चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे बेटा, अगर छोट के चालक का आ रहा है, उसमें धारा प्रवाहित करें तो थोड़ी दूर धारा बहे तो थोड़े विरोध हो कि ना, लेकिन अगर चालक कार बड़ा से है तो धारा ज्यादा दूर प्रवाहित होए तो विरोध भी ज्यादा मिले कि ना। तो पहली विशेषता इसकी यही होगी कि चालकों का वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। किसी भी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर चालक की लंबाई कम होगी तो उस पर वैद्युत प्रतिरोध कम लगेगा, और अगर चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो उस पर वैद्युत प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। तो चालकों का वैद्युत प्रतिरोध चालकों की लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरी बात होती है कि वैद्युत प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मतलब तार अगर पतला होए, क्षेत्रफल कम होए तो प्रतिरोध ज्यादा हो। यह वजह है कि जब घरों में बिजली की सप्लाई होती है तो जो कटआउट होता है बाहर जो है, जो फ्यूज वायर होते हैं वो बहुत पतले रखे जाते हैं, तो क्षेत्रफल कम रहता है। मान लो कभी हाई वोल्टेज जो है तार बिजली आ गई, तो जहां पतला तार है वहीं से जब जगह हाई वोल्टेज गुजरने लगे तो वहां प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहे तो वो धारा का विरोध बहुत ज्यादा होगा, माने धारा विद्युत ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा, उसमें ऊर्जा बदल जाएगी, तार गर्म होकर पिघल जाएगा, टूट जाएगा और धारा आगे घरों में नहीं जा पाएगी, तो और सारे उपकरण खराब नहीं हो पाएंगे।
तो फ्यूज वायर हमेशा पतले तार का रखा जाता है घरों में जो है विद्युत उपकरणों की बचत सुरक्षा के लिए। कि मान लो कभी बाई चांस हाई वोल्टेज घरे में आवेदा तो आगे कटाउट पहरा जो है फ्यूज वायर, आजकल हम सीवी वगैरह जिसको कहते हैं, तो फ्यूज वायर है बहुत पतले है, धारा जब गुजरेगी तो यहाँ विरोध बहुत ज्यादा होगा, धारा ज्यादा है तो विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा बदले ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा पैदा हुए तो तार पिघल के ही गिर जाए, तो और आगे धारा सप्लाई बंद हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, और तब जो है पूरे घरों में विद्युत की सप्लाई प्रतिबाधित हो जाएगी, बहना बंद हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि चालकों का वैद्युत प्रतिरोध दो चीजों पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर और चालक तार के क्षेत्रफल पर। इन दोनों चीजों से एक छोटी सी परिभाषा बनके जा रही है। आपने देखा किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है? चालक की लंबाई पर। कम लंबाई वाले चालक तार में प्रतिरोध कम और ज्यादा लंबाई वाले चालक तार में प्रतिरोध ज्यादा है। और क्षेत्रफल के कैसे डिपेंड कर रहा है? दोनों इकट्ठा कर दो बच्चों, फिजिक्स वाले हो, दोनों इकट्ठा कर दो तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ओके, एनी डाउट? प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो बराबर हम कोई नियतांक यूज होता है। यह जो नियतांक साइंटिस्टों ने यूज किया उसको इस तरह से लिखते हैं, रो पढ़ते हैं, आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो को कहा जाता है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब बच्चों हम इसकी परिभाषा निकालें विशिष्ट प्रतिरोध की। देखो जरा, आपने देखा आर बराबर क्या आया है? रो एल अपान, यही आया है ना? तो रो निकालेगा बेटा क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा आर ए बाई एल। परिभाषा बनाने के लिए सारे पद एक होते हैं, नीचे वाले एल बराबर एक मान ले और ए बराबर एक मान ले तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर एक एक कट के आर आ गया। ले विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर आ गया? वैद्युत प्रतिरोध के बराबर। तो परिभाषा बता दो बेटा, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा बोल देखे, इन दोनों को बोल दो तो आ रही ये रो है, माने विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार का वैद्युत प्रतिरोध है। तो परिभाषा कैसे बन रही है देख लो जरा, एकांक लंबाई वाले चालक तार और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार, माने एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा बन गई कि नहीं बेटा? मात्रक निकाल लो यहीं पर, इसका ऊपर आर है, आर का मात्रक, ऊपर क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, नीचे लंबाई है मीटर, ये स्क्वायर कट गया, इसका मात्रक क्या गया? तो एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। सबको समझ आ रहा है बेटा? हाँ, देखिए नया शब्द है वैद्युत चालकता। हालांकि इस लेसन में शुरुआत में इसको हम बातचीत कराए थे आपको, तो यहां परिभाषा बनानी है बस, केवल वैद्युत चालकता को बेटा जी से लिखा जाता है और ये एक बटा आर होता है। परिभाषा बन गई होगी कैसे? वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है, और चालकता के आधार पर पदार्थों को चालक अचालक या अर्धचालक होने की जानकारी मिलती है। यहां पहले इस चैप्टर में पहले दूसरी हेडिंग में समझाए थे इसको। इसका मात्रक चूंकि एक बटा प्रतिरोध है, इसका मात्रक प्रतिरोध के मात्रक का उल्टा प्रति ओम या
हमने आपको बताया था महो और सीजीएस पद्धति में इसका मतलब क्या होता है। आप देख रहे हो कि छोटी छोटी बहुत सारी परिभाषाएं बनती जा रही है। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। अभी और देखिए जरा, विशिष्ट चालकता, बस परिभाषा याद करनी है और कुछ नहीं। विशिष्ट चालकता सूत्र बता दे तो इसकी भी परिभाषा आप बता दोगे। विशिष्ट चालकता, प्यारे बच्चों, इसको छोटा सिग्मा से लिखा जाता है और ये इसका सूत्र होता है 1/2। अब आप परिभाषा बना लोगे, कैसे बनाओगे बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर या इसका मात्रक महो प्रति लीटर होता है। यह हमारा विशिष्ट चालकता हो गया। छोटे छोटे परिभाषा वाले टॉपिक है, एक डेरिवेशन छोटा सा करा दे रहे 3-4 लाइन का। देख लीजिए जरा, सिग्मा और जे में संबंध क्या बेटा, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। छोटा सा डेरिवेशन है और ये पहला डेरिवेशन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो है पुराने सूत्रों पर डिपेंडेंट है। जैसे मान ले ये कोई चालक है, एल लंबाई का चालक है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसके सिरों के बीच विभवांतर बी है, धारा इसमें आई बह रही है। क्या बोले हम, माना एल लंबाई और ए क्षेत्रफल का एक चालक तार है, इसमें आई एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर वी बनता है। तो अगर हम कहें इसकी विशिष्ट चालकता बताओ, विशिष्ट चालकता क्या होगी, यही तो जानते हो। अभी अभी थोड़ी देर पहले विशिष्ट प्रतिरोध रो का सूत्र आया था, एक आर ए बाई एम याद आया। तो इस सूत्र से विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या हो जाएगा, रो बराबर सिग्मा बराबर 1/2 और रो बराबर आर ए बाई एम, तो ये 1/8 पलट जाएगा। कोई डाउट, आर भी हमने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ओम के नियम के अनुसार आर बराबर बी बटे रखते बच्चों, जहां आर है। कोई डाउट, दिक्कत, आई ऊपर चला गया, कोई असुविधा, आई अपान के क्या होता है जी, धारा घनत्व। तो सिग्मा बराबर इसको हटा के जे लिख दे। और बच्चों पहले और तीसरे पार्ट का एक फेमस सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर, ई बराबर क्या होता है, पलट दीजिए एल अपान बी बराबर, तो एल अपान बी जगह तिरछा गुणा कर दीजिए, जे बराबर सिग्मा। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा।